अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर फोर मिक्सचर्स एंड सब टॉपिक क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो अ सेपरेशन टेक्निक, जो कि हम सेपरेटिंग मिक्सचर्स की टेक्निक्स पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसमें हमने एवोपरेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये सब पढ़ी। अब हम देखेंगे क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? Some athletes use illegal drugs to boost their performances during games. How are athletes tested for the use of illegal drugs during competition? कुछ एथलीट्स जो हैं, जब स्पोर्ट्स हो रहे होते हैं, गेम्स हो रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ इलीगल ड्रग्स को यूज़ करते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो इन एथलीट्स को टेस्ट किस तरह से किया जा सकता है, कैसे टेस्ट करते हैं कि उससे जो है वो पता चल जाए कि इन्होंने वो ड्रग्स को यूज़ किया हुआ है। तो इसको टेस्ट करने का एक तरीका है और वो तरीका कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली ये एक प्रोसेस है जिससे कि कलर्ड कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज टू सेपरेट, एनालाइज एंड आइडेंटिफाई द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सर सच एज यूरिन, इंक, फूड कलरिंग एंड फ्रूट जूसेस। तो इसमें किया क्या जाता है, इसमें होता ये है कि इनको जो भी चीज़ होती है उसका सैम्पल कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और जो कलर्स हैं वो अलग अलग स्पीड पे ट्रेवल करते हैं ऑन द पेपर। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी जो है वो इस तरह से, जब वो कलर्ड कंपोनेंट्स सेपरेट होते हैं तो उससे पता चल जाता है कि उस सैम्पल में, उस मिक्सचर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी, अभी ये आपके सामने एक सेटअप नज़र आ रहा है आपको। इसमें क्या हो रहा है कि ग्लास में जो है वो पेपर लगा हुआ है और बिल्कुल उसके बॉटम पे जो है वो ड्रॉप्स डाले हुए हैं कलर्स के, और जैसे जैसे वो ट्रेवल करते जा रहे हैं तो वो ऊपर अलग अलग उसमें कंपोनेंट्स में अलग अलग कलर्स में सेपरेट होते जा रहे हैं। इन दिस सेटअप अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल और वाटर दोनों सॉल्वेंट है और उन दोनों को मिला के जो है वो एक मिक्सर बनाया गया है। इन द बीकर मूव्स अप द फिल्टर पेपर टू डिजॉल्व द डाइज इन द कंसनट्रेटेड इंक स्पॉट। ठीक है, यहाँ पे जो कंसनट्रेटेड इंक स्पॉट बिल्कुल बॉटम में डाले गए और इसके बाद उनको जो है वो मिक्सर के अंदर डाल दिया गया, तो क्या है कि वो जो इंक स्पॉट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर पेपर के ऊपर मूव करते चले जा रहे हैं, क्योंकि कलर्ड जो हैं वो अलग अलग स्पीड पे मूव करते हैं तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं थ्रू क्रोमेटोग्राफी। जैसे कि अगर हम एक देखें कि जो रेनबो बनती है, तो रेनबो भी वो वाइट लाइट स्प्लिट होती है 7 डिफरेंट लाइट्स में। ठीक है, 7 डिफरेंट कलर्स में, तो वो क्यों, क्योंकि हर कलर का जो वो स्पीड का लेवल है वो डिफरेंट है, तो फिर वो वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। तो इसी तरह से क्रोमेटोग्राफी में भी जो है वो हम जब इसको यूज़ करते हैं तो ये टेक्निक में कलर कंपोनेंट्स, जो कलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी ट्रैवलिंग की स्पीड अलग है, तो वो इस तरह से एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सो हियर द चैप्टर इज कम्प्लीट, जिसमें कि हमने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा, मिक्सचर्स क्या होते हैं और फिर मिक्सचर्स को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। सो द टॉपिक इज कम्प्लीटेड, द होल चैप्टर इज कम्प्लीटेड। रिवाइज द चैप्टर एंड टेक क्विजेस, कम्प्लीट असेसमेंट्स एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।